बात करते हैं आंधी तूफान की। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई और रविवार को तूफान एक बार फिर से आया और यह तूफान जानलेवा साबित हुआ। मौसम विभाग की माने तो सोमवार की शाम भी इसी तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका असर रविवार के तूफान से काफी कम होगा। बाद की मौसम विभाग के विशेषज्ञ कुलदीप श्रीवास्तव से संवाददाता पूजा राठौर शर्मा। दिल्ली एनसीआर या ये कहें कि पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से तूफान आ रहा है, जानलेवा साबित हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण देख रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त है मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी। सर, जानना चाहूंगी कल जिस तरह से एक बार फिर दिल्ली को हिला दिया, दिल्ली और उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो कई जाने भी गई हैं, तो ऐसे में क्या आप इसके पीछे रीजन देख रहे हैं, क्या वजह देख रहे हैं? इसके पीछे जो मुख्य वजह है हमारे पास, एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमारे पास था, साथ ही साथ देखेंगे कि अभी ईस्टर्ली हवाएं जो पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश से होती है दिल्ली एनसीआर तक आ रही थी, साथ ही साथ देखेंगे कि आप बीते दिनों में टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का था वो काफ़ी बढ़ गया था, और जो दिल्ली एनसीआर का था वो तापमान भी हमारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। और इन तीनों का फैक्टर का आप देखेंगे कॉम्बिनेशन कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पूर्वी हवाएं नमी लेके आ रही हैं और साथ ही साथ आपकी इंटेंस हीटिंग हुई है। तो जब ऐसा होता है इस टाइम में तो मई जून के महीने में ये कंडीशन फेवरेबल होती हैं कि आपके पास थंडर स्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी हो जाए। और चूंकि हमारे पास जब थंडर स्टॉर्म डेवलप होता है तो उसके साथ जो है आपके पास जो हवाएं हैं ऊपर जाती हैं और ऊपर होकर ठंडी होकर फिर वो नीचे आती है। जब वो नीचे आती हैं तो साथ में आपके पास बहुत मॉइस्चर लेके आती हैं और जब नीचे ज़मीन से टकराती हैं तो बहुत स्ट्रांग विंड बनती है, आपके पास विंड बनती है और रेनफॉल होती है, और जिस डायरेक्शन में आपका थंडर स्टॉर्म मूव करता है उस डायरेक्शन में और स्ट्रांग होती है। सो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सिस्टम है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट से चल रहा है और दिल्ली एनसीआर से होते हुए वेस्ट यूपी एंड और ईस्ट यूपी की तरफ गया है, तो जो हमारे पास सेल आया है उसका मूवमेंट आपका वेस्ट से ईस्ट था, डाउन ड्राफ्ट हुआ, स्ट्रांग विंड आई और साथ ही मूवमेंट, दोनों चीज़ें आपका मिल करके बहुत स्ट्रांग विंड हमारे पास दिल्ली एनसीआर में और जो वेस्ट यूपी में और पूरे नॉर्थ रीजन में रियलाइज हुई। बिल्कुल सर, आज भी हम देख रहे हैं सुबह से जो है बादल छाए हुए हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो आगे की स्थिति क्या है, क्या आगे भी इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रहेगी? अगर आप देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो है जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो जो मैक्सिमम एक्टिविटी थी वो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज हो चुकी है, रात में जो कल शाम को हो चुकी है। अभी जो हमारे पास पीछे जो मॉइस्चर रह गया है और जो क्लाउड होते हैं पीछे उनका ही आप प्रभाव देख रहे हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है, और जैसे ही दिन के टाइम में थोड़ा तापमान बढ़ेगा तो शाम के टाइम में रात में हम लोग थोड़ा सा लाइट रेन ड्रिजल दिल्ली एनसीआर में हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो पिछले दिनों कल रात में हुआ उतना इंटेंस नहीं हुआ। बिल्कुल सर, मैं आपके जरिए थोड़ा समझना चाहेंगे अभी फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है। ताज़ा स्थिति में देखेंगे कि जो आपके पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो एसोसिएटेड क्लाउड हैं वो लाल कलर का आप कंटूर देख रहे हैं, हम लोग इनको कंटूर बोलते हैं, तो ये इस समय एक्टिविटी हमारे पास जम्मू कश्मीर के एरिया में ऑलरेडी हो रही है, और इसके साथ भी आपका क्लाउड पैच बना हुआ है जो कि आपका पंजाब और नॉर्थ राजस्थान के ऊपर है। दिन के टाइम में जब तापमान हमारा बढ़ेगा और चूंकि ऑलरेडी रेनफॉल पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो चुका है तो मॉइस्चर भी अवेलेबल है, तो इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद जो सीबी क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो हल्की फुल्की रेनफॉल पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान में होने की संभावना है। साथ ही साथ जो हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया है वहाँ पर हमारे पास कन्वेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और स्क्वेल और हेल होने की संभावना है। बिल्कुल सर, साथ ही जानना चाहूंगी कि जो ये इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये आज तक ही है या आगे भी या एक आध दिन और आगे देखने को मिलेगा? पहाड़ी राज्यों में अभी कल तक इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन मैदानी राज्यों में इसका इफेक्ट जो है आज के बाद से काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो यानी टेम्परेचर में वापस राइज हम ये लगा लेंगे कल दोपहर से होना शुरू हो जाएगा। हाँ, टेम्परेचर में आज से ही हमारे पास हम लोग आज 37 डिग्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग 2 डिग्री कल से ज़्यादा, और आगे आने दिनों में देखेंगे टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा और 17-18 तारीख को ये लगभग 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड पुनः पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बहरहाल आज एक बार फिर थोड़ी सी राहत आपके लिए बनी रहेगी मौसम में, लेकिन कल से एक बार फिर तैयार हो जाइए क्योंकि तापमान फिर 40 डिग्री छूने को तैयार है। कैमरामैन रोहित के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।